जहां का ट्रेन एक्सीडेंट में अभी भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सीधा हम देखेंगे जो तस्वीर दिखाएंगे थोड़ा कैसे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि कल से शुरू होने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे इतना बड़ा एक्सीडेंट घटा, इसको लेके तो इंक्वायरी एक तरफ से होगा, लेकिन अभी लोग और भी लोग फंसे होने की सूचना आ रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं आप इंडियन आर्मी और NDRF की तरफ से कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे ऐसे जहाँ से ये दुर्घटना शुरू हुआ है, जहाँ से वो एक्सीडेंट शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं एक मालवाही गाड़ी के ऊपर एक इंजन, जो बोला जा रहा है कि ये करमंडल ट्रेन का जो इंजन था वो चढ़ गया है, और इसी से ही ये जो एक्सीडेंट है, ये जो दुर्घटना है, ये शुरू हुआ था। और आप देख सकते हैं अभी भी कैसा रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर देख के पता ही चला होगा कैसा कितना बड़ा ये दुर्घटना है। और अभी तक जो सूचना आ रहा है 220 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो पुष्टि किया गया है ऑफिशियली। लेकिन ये जो जो डेथ का जो संख्या है ये और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ से चल रहा है और दूसरे तरफ से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भी अभी भी नीचे फंसे होने की एक आशंका किया जा रहा है। और इसको चलते आप देख सकते हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरी ट्रेन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये जो गुड्स ट्रेन था और इसका वो पहले खड़ा हुआ था, लेकिन उससे पीछे जो करमंडल एक्सप्रेस आया था वो बहुत तेज से आ रहा था और ये ट्रेन को धक्का दिया और उसके बाद उसके ऊपर ही चढ़ गया। और दूसरी तरफ ही एक ट्रेन आ रहा था जो को जब करमंडल ने उसको धक्का दिया तो उसका जो सब डिब्बे हैं वो अलग हो गया और दूसरे ट्रैक तक चल गया। और दूसरी तरफ भी वो जो ट्रेन आया था उसके साथ भी टक्कर हो गया। और अब पूरे अब देखेंगे जो कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया और बहुत सारे लोगों का मौत हो गया है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। 1000 के आसपास लोग जो हैं घायल हुए हैं। और पूरे उड़ीसा के विभिन्न हॉस्पिटल हम देखेंगे, जो बालेश्वर से लेकर भुवनेश्वर कटक तक जो हॉस्पिटल है वो सभी हॉस्पिटल में बहुत सारे जो इंजर्ड हैं, जो उनको भरा गया है, उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ और कुछ देर के बाद उड़ीसा के सीएम भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उड़ीसा के दूसरे मंत्री भी पहुँच रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे रेलवे मिनिस्टर भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, और उसके साथ जो और एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान वो भी यहाँ पर आएंगे। और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, इस बारे में वो भी देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा जो दुर्घटना हुआ है उसको चलते हुए पहले लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा और जितने लोग फंसे हुए हैं नीचे उनसे कैसे निकाला जाएगा, ये सबसे प्रायोरिटी है। और उसी तरह कल रात भर ये जो ऑपरेशन है वो भी चल रहा था, और आज सुबह भी हम देखेंगे तो अभी ऑपरेशन का जोरदार किया गया, क्योंकि कल अंधेरे के वजह से जो थोड़ा ऑपरेशन का रुकावट आया था, आज कैसे उसका ख़त्म किया जाएगा और जितना जल्दी हो सके सब लोगों को वहां से ट्रेन के नीचे से निकाला जाएगा, इसके लिए पूरा रेलवे ने जोर शोर से लगा हुआ है।